ये भाई पीछा 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 सुनील पीछे महारानी स्नेहलता क्या बात है महारानी महारानी क्या बात है अच्छा महारानी नाम है एक चलो पीछे जाओ चलो गाइस पीछे चलो बाहर नहीं अभी इधर कर चलो कोई पीछे नहीं हां ठीक है तो जल जाएगी आज देख के आज की वीडियो देख के कौन राखी क्या क्या बोला तुमने राखी जल जाएगी आज की वीडियो देख के क्या बोला हाँ तो साला मुझे बुलवा ले पीछे लेने के बाद अभी पार्टी शुरू है मतलब वेरी गुड सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ एकता कपूर जी का जिन्होंने मुझको मैं एकता कपूर जी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझको महारानी स्नेहलता की भूमिका निभाने का ये सुनहरा मौका दिया वाह सुपर पौरुषपुर 2 में क्या बात जो जल्द आने वाला है ऑल्ट पर चलो पीछे होते रहिए आते रहेंगे हम लोग पीछे होते रहेंगे आइए आइए अजय अजय फ्रेम में आ रहा है तू साथ में दे दूंगा कहां जा रहे हो चलो वो मिलेगा अच्छा आने वाला है भाई मोबाइल पीछे ले सही है आते ही बाहर अकाउंट पे आ जाइए आज ये बारिश बंद हो गया मौसम बहुत सुहाना है आज आज ये बारिश बंद हो मौसम बहुत सुहाना है अच्छा तो चला ये वक्त दीजिए बाहर क्या बात है बता बता जल्दी क्या बात है महाराणी भी गाली है सलीम एक बड़ा एक बार और एक बार सेंटर यह सब जगह पौरुषपुर राज्य में राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार मर्द खो देते हैं ये प्रतिष्ठा सिर्फ और सिर्फ औरत को दी जाती है पौरुषपुर राज्य के ज्योतिषी ये भविष्यवाणी करते हैं कि वो रानी जो किसी कन्या को जन्म दे वो कहलाएगी पौरुषपुर की महारानी और उनकी कन्या बनेगी पौरुषपुर की उत्तराधिकारी ठीक है तो अब देखना ये है कि पौरुषपुर राज्य में कौन किसके साथ क्या षड्यंत्र या साजिश रचता है राज गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त करने के लिए ये है पौरुषपुर की कहानी का मूल बिंदु अलग है उसका एकता कपूर जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं पौरुषपुर 2 का चेहरा बनूं क्या बात मैं ये प्रार्थना करती हूँ उम्मीद करती हूँ कि मैं एकता कपूर जी के साथ बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स करती रहूं न केवल इस जन्म में बल्कि हर जन्म में क्या बात है
इधर ही होना पानी दे मेरा मेरा गला सूख रहा है मेरा गला सूख रहा है पानी दो पानी पानी लेके आओ जाओ आप जाओ जल्दी जाओ हेलो हेलो झूठा है क्या दीजिए धन्यवाद ये लो मैडम झूठा है ओके एक सिप यहाँ से भी ये व्यक्ति ने बोला कि मौसम बड़ा सुहाना है ये लहंगा मेरा गीला हो गया ठीक है रोल गाइस शलिन सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन नई सीरीज के लिए पार्ट टू आ रहा है जी पार्ट वन में अगर कुछ आप बताना चाहोगे पार्ट टू में किस तरह का आपका किरदार होने वाला है और आपके लुक के बारे में जी जी सबसे पहले मैं एकता कपूर जी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझको ये सुनहरा मौका दिया कि मैं महारानी स्नेहलता की भूमिका निभा सकूँ पौरुषपुर 2 में जैसे कि आप सब जानते हैं पौरुषपुर राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर राज गद्दे पर बैठने का अधिकार मर्द खो देते हैं ये अधिकार सिर्फ औरत को दी जाती है ऐसे में पौरुषपुर के ज्योतिषी ये भविष्यवाणी करते हैं कि वो रानी जो किसी कन्या को जन्म देती हो वो बनेगी पौरुषपुर की महारानी और उनकी कन्या बनेगी पौरुषपुर की उत्तराधिकारी तो अब रानियों में एक रेस शुरू हो जाती है गर्भवती बनने के लिए तो देखना ये है कि कौन किसके साथ क्या साजिश या षड्यंत्र रचता है राज गद्दी पर बैठकर राज करने के लिए इस रानी का जो किरदार है वो कितना मिलन करता है आपके जो रियल किरदार है उससे मैं कहूंगी 10/10 100% कैसे किस किस वे में मिलन करता है क्योंकि ये जो रानी है ये खुद को रानी नहीं मानती है ये खुद को महारानी मानती हैं हाँ तो जब जब कोई इनसे रानी स्नेहलता कहता है ये उन्हें टोक कर कहती हैं महारानी कहिएगा तो समझने वाली बात ये है कि ये मन ही मन खुद को महारानी मानती हैं और इन्हें पूरा भरोसा है कि अगर कोई काबिल है राज सिंहासन पर बैठने के लिए तो वो ये हैं कोई और नहीं चलिन अगर आपको रियल लाइफ में महारानी का किरदार लाइक बॉलीवुड में महारानी अगर आपको घोषित कर दिया तो कौन सी ऐसी चीज है जो बॉलीवुड में आप एक बदलाव लाना चाहते हो और काफी लंबे समय से आप वो एक बदलाव लाना चाहते हो बट अब जब महारानी का किरदार आपको मिलेगा तो कौन सा ऐसा चीज है जो आप चेंज करना चाहोगे मैं चाहूंगी कि बॉलीवुड में और हर उस सेक्टर में जहां पर नेपोटिज्म जिंदा है वहाँ पर नेपोटिज्म ख़त्म हो जाए मर जाए और उसके अलावा सेक्सिज्म भी ख़त्म हो जाए लोग मजबूरी में जिस्मानी ताल्लुकात ना बनाएं चाहकर बनाएं आम तौर पर देखा जाता है कि कास्टिंग काउच के चलते मजबूरन लोगों को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिनके चलते वो मन ही मन शर्मिंदा महसूस करते हैं तो इन इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से शर्लिन जी अगर हम बात करें इन दिनों बिग बॉस की जी. तो आकांक्षा पुरी ने काफी हंगामा किया है किस कर दिया बिग बॉस के शो में हाँ. और जिसको लेके काफी विवाद हुआ है देश में काफी हंगामा हो रहा है आकांक्षा पुरी के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे कैसा लगा किस एक एक एड ऑन करना चाहता हूँ कि एक ऐसा जो हम बिग बॉस देखते हैं 12वीं तारीख शो
देखते हैं, बट उनके जो होस्ट है उनकी फिल्मों में हमने आज तक नहीं देखा, एंड उनके ही घर में, वो कहते हैं कि उनका घर है और उनके घर पे ऐसी चीज होती है, तो किस तरह से आप देखते हो, क्या कुछ बदलाव आप उसमें भी लाना चाहोगे? मैं ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि उन्होंने कहा कि सलमान खान, हाँ। इन्हें डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि शो में अगर वो कहती कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो वो एडिट भी हो सकता है। आप ये बताइए कि किस कैसा था, किस जिसने किया उसने बोला जो मतलब जो नहीं मतलब किस देख कर के आप उत्तेजित हुए? मतलब आपके रोंगटे खड़े हुए बताइए ना, गुदगुदी हुई? बट नेशनल टेलीविजन में ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए नेशनल टेलीविजन पर? देखिए आप खुद बोल रहे हैं कि आपको मजा आया। मजा नहीं आया, अच्छा लगा तो बस बात वहीं पर खत्म होती है, अच्छा लगा। तो आप सपोर्ट करते हैं नेशनल, आपकी क्या राय है, क्योंकि आप हमेशा इस सारी चीजों पे एक अलग राय रखते हैं, आपकी क्या राय है, ये गलत है सही है, क्या बदलाव लाना चाहिए था, और आकांक्षा जी को अगर कुछ संदेश देना चाहे हमारे दर्शकों से, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, उनको अगर कोई संदेश देना चाहो। देखिए किस करना तो बुरी बात नहीं है, right. हाँ, तो अगर आप किसिंग में माहिर हैं तो कृपया देश के आवाम को बताइएगा कि सही मायने से मतलब सही तरह से किस कैसे किया जाता है, यानी ऐसे ऐसे नाक बीच में आती है ना, दिक्कत होती है लोगों को, तो लेकिन आकांक्षा ने सही तरह से नहीं किया। अच्छा इस बात का दुख है आपको, सही तरह से नहीं किया। आप बताइए कैसे करते हैं किसे? नहीं, आप आपने बोला स्टार है जो वो उन्होंने कहा, मैंने तो कुछ उनके जो थे, हाँ फ्रेंच है वो, मालूम नहीं फ्रेंच है, नहीं नहीं दुबई से, अच्छा ओके। तो आप क्या कहना चाहेंगे, तो उनकी किसिंग कैसी लगी आपको? इनकी वही बंदे की मालूम नहीं देखा आपने? अरे आकांक्षा जी करेंगे, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे, लेकिन ऐसा चीजें करना चाहिए कि नहीं, आपको क्या लगता है? देखो ना, अरे किसिंग कोई जुर्म है क्या? ठीक है। हम बॉलीवुड और वेब सीरीज की बातें करते हैं, जो कि हम आपको देखे हैं बॉलीवुड में, आप मूवी आ चुकी है, बॉलीवुड में भी काम चुके हैं, इन दिनों आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपने नए शो के साथ कमबैक कर रहे हैं, तो दोनों के बीच कितना डिफरेंट है कुछ बताना चाहूंगा आप अपने फ्रेंड्स को? OTT प्लेटफॉर्म और बॉलीवुड फिल्म में बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं, मुझे लगता है कि अब लोगों के पास उतनी पेशेंस नहीं रही और उतना समय नहीं रहा कि वो 3 घंटे की फ़िल्म देखें या 3.5 घंटे की फ़िल्म देखें, है कि नहीं? हम आमतौर पर फिल्में तब देखते हैं जब हमारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, जैसे हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, या हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, या हम ऑटो रिक्शा से ऑफिस जा रहे हैं, तो हमारे पास 10-15 मिनट या आधे घंटे का समय होता है, हमें तुरंत कुछ ना कुछ देखना होता है, तो क्या देखें, 3.5 घंटे की फ़िल्म कैसे देखें? तो हम एक एपिसोड देख सकते हैं किसी वेब सीरीज़ की, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो ज़माना है वेब सीरीज़ का, ये हम सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी सारी वेब सीरीज़ बन रही हैं, ना सिर्फ मुंबई में बल्कि देश भर में, दुनिया भर में, और लोग एंजॉय करते हैं आराम से अपने बेडरूम में लेटे लेटे, या यू नो ऑफिस में, या कहीं पर भी शॉपिंग मॉल में, तो बड़ा आसान होता है वेब सीरीज़ देखना या एक एक एपिसोड देखना, यू नो जब जब हमारे पास समय हो, ये ज़रूरी नहीं है कि हम 3 घंटे निकालें और मजबूरी में वो फिल्म देखें, तो ये हम सब के लिए फायदेमंद है। जी तो आपने एयरपोर्ट के नाम लिया, एयरपोर्ट के नाम लिया आपने, कल रात्रि शाम ने एयरपोर्ट पे ना काफ़ी सारे पैसे लुटाए अपने पॉपुलर होने के लिए या और पब्लिसिटी पाने के लिए, राकेश सावंत ने कल एयरपोर्ट पे ना पैसे लुटाए काफ़ी सारे, कैप्टन के ऊपर, अच्छा मतलब असली वाले, असली चेक किया आपने? हाँ असली वाले वीडियो में तो असली वाले आ रहे हैं, चेक कीजिएगा।
पॉपुलर की पाने के लिए पब्लिसिटी पाने के लिए राखी पैसा निकली उधर। मैंने सिर्फ इतना कहा कि चेक कीजिएगा। लेकिन शर्लिन अभी आप दोनों का बॉन्ड फिर से खराब हो चुका है, बीच में अच्छा हो गया था राखी के साथ जब इंसिडेंट हुआ था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखिए मैं अब सीरियस हो गई हूँ और अब मुझे काम पर फोकस करना अच्छा लगता है, मेरे पास खोटा टाइम है नहीं तो। पैसे उड़ाना अच्छी बात है, पैसे उड़ाना अच्छी बात है, पैसे कहीं उड़ाना नहीं। अरे नकली पैसा हो तो इसमें बुराई क्या है? नकली पैसा मतलब राखी सामने नकली पैसा उड़ाया। देखिए लक्ष्मी जी की इज्जत करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, तो लक्ष्मी जी को हम लॉकर में रखते हैं, बैंक में रखते हैं। अब अगर कोई करेंसी नोट्स उड़ा रहा है या उड़ा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो नकली होंगे। शर्लिन आपने शिल्पा शेट्टी को रिप्लेस किया है इस सीरीज में, क्या कहना चाहोगे? सीजन 2 में शिल्पा शेट्टी नहीं है बट वही किरदार में आप हो, मतलब सीजन 1 में वो लीड कर रही थी, आज इस सीजन में आप लीड कर रहे, सीजन 2 में क्या कहना चाहोगे? जी ऐसा कुछ नहीं है, अब हो सकता है कि सीज़न 3 में कोई और इस सीरीज़ का चेहरा बने, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को रिप्लेस किया है या कोई मुझे रिप्लेस कर सकता है। उस कहानी की रिक्वायरमेंट अलग थी, इस कहानी की रिक्वायरमेंट अलग है और हम सब के लिए इस इंडस्ट्री में काम है। बात अगर आपके रोल का किया जाए, जैसे आपने बताया कि आप रियल लाइफ में भी एक महारानी की लाइफ जीती हैं, जी तो इस ऑन स्क्रीन पे प्ले करना एक महारानी का रोल जी कितना डिफरेंट रहा, एज अ लैंग्वेज प्रिपेयर करना या फिर ऑन स्क्रीन एज अ महारानी दिखाना कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? ज़्यादा मुश्किल नहीं था, वैसे मैं हिंदी अच्छी बोलती हूँ तो मेरे लिए डायलॉग्स को याद रखना और यू नो उस लहजे में बोलना जैसे कि लिखा गया है वो काफ़ी मुश्किल नहीं था। अभी कल की बात है, मैंने एक लाइन कही जो ऐसी है, इन्हें लेकर जाइए इनके कमरे में, तो मुझसे कहा गया कमरा नहीं कक्ष बोलिएगा, क्योंकि राज्य दरबार में कमरा इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कक्ष बोलिए। तो वो मुझे ज़रा अच्छा लगा, यानी क्लासी लगा, ओहो महारानी जब बोलेगी तो वो कमरा नहीं कक्ष बोलेगी। तो आखिरी सवाल है आपसे शर्लिन जी मेरे तरफ से कि हाल ही में दो बड़े एक्टर थे जैसे कि आयशा और नील भट्ट, उनका जो शो का एपिसोड खत्म हो चुका था और स्टाफलेस ने ऐसा डील साइन किया कि वो अगले 5 साल तक एक साथ काम करेगा, तो एज अ कलाकार आपको क्या लगता है कि ये सही किया उन्होंने ये सवाल आप खुद लिखते हैं? जो सवाल आप पूछते हैं आप खुद लिखते हैं? नहीं नहीं बताइए ना क्या आप खुद लिखते हैं, हाँ या ना? मैं आ रही हूँ आपकी पिटाई करने। हमने रखा समोसे, हम मंगवाए चाय, हम पिलाए, हाँ और बात किसी और की।